सत्संग के यह वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। सत्संग के वचन वाणी स्वामी जी महाराज की फरियाद और पुकार वचन 33वां शब्द 15वां गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ यह तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। स्वामी जी की वाणी है, इसमें आप एक शिष्य के सवाल का जवाब देते हैं। वो पूछता है कि हे सतगुरु, ये जो तुम्हारा वजूद है, क्या यही तुम्हारा रूप है या कोई और भी है? सतगुरु कहते हैं कि जिस तरह शिष्य का शरीर सदा रहने वाला नहीं, इसी तरह सतगुरु का शरीर भी सदा नहीं रहता। शिष्य का असली रूप सूरत है और सतगुरु का शब्द। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, शब्द गुरु सूरत तुन चेला। वे हमेशा रहते हैं। क्योंकि हम आदमी हैं, इसलिए हमें समझाने बुझाने वाला भी आदमी ही होना चाहिए। आदमी का उस्ताद आदमी है, मगर इसका कोई ये मतलब ना समझ लेना कि सतगुरु आदमी होता है। नहीं, बल्कि वो मालिक अपनी ताकत किसी ना किसी आदमी के चोले में रख देता है, मगर जब तक कोई महात्मा शरीर में बैठा है, वो अपने आप को सतगुरु नहीं कहता। गुरु नानक साहब ने कहां कहा है कि मैं गुरु हूं? और जितने महात्मा आए, जब तक वो देह में रहे, कभी भी दम नहीं मारा। वो मालिक हमारे जैसा आदमी बनकर समझाए, तभी हम समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। मगर परमात्मा खुद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा उसके एक बाल का भी मुकाबला नहीं कर सकते, अगर वो खुद इस दुनिया में आ जाए तो हम उसे किस तरह देख सकते हैं? सो जब वो मालिक हमें समझाना चाहता है तो मनुष्य बनकर आता है, या दूसरे लफ्जों में यूं कह दो कि वो अपनी ताकत किसी मनुष्य में रखकर हमें समझाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु मैं आप रखिया कर तारे। कबीर साहब कहते हैं, हमरो भरता बड़ो विवेकी आपे संत कहावे। गुरु रामदास जी कहते हैं, तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे ते आई। जब वो मालिक हमें मिलता है, मनुष्य बनकर मिलता है। अब शिष्य पूछता है, हे सतगुरु, ये जो तुम्हारा रूप है, ये सगुण है, पांच तत्व का पुतला है और सदा नहीं रहता। गुरु साहब कहते हैं कि ये तो सिर्फ जीवों को नाम देने के लिए है, या जो किसी को कोई शक शुबा हो उसे दूर करने के लिए है। रूप तुम्हारा अगम अपारा सोई अब दर्शाओ। ए मालिक, जो तुम्हारा असली रूप है वो तो शब्द है, अगम अपार और अनामी है। मैं चाहता हूं कि मुझे भी वो रूप दिखाओ। संत कहते हैं कि सतगुरु का रूप तो कुल मालिक है। सतगुरु को मालिक में समा जाना है और शिष्य का भी मालिक से मिलाप करवाना है। सतगुरु का रियल असली रूप तो शब्द है। देखूं रूप मगन होए बैठूं अभेदान दिलवाओ। अब शिष्य कहता है कि वो रूप मुझे मिल जाए। जब वो रूप मिला, जन्म मरण खत्म हो गया। अब कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए? इसलिए शिष्य कहता है कि जब मुझे वो रूप दिखाओगे
तो मैं बेखौफ हो जाऊंगा, मुझे शांति आ जाएगी। अगर वो रूप मिल जाए फिर भय किसका, फिर ना जन्म लेना है ना मरना है। जब मालिक मिल गया तो फैसला हो गया, खतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। अब खतरा खतरा नहीं बल्कि समुद्र है। यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको समझाओ। अब शिष्य कहता है कि ये जो आपका देह रूप है ये भी मुझे प्यारा है, लेकिन मैंने ये भी आपसे ही सुना है कि आपका कोई और रूप भी है, कृपा करके मुझे वो भी दिखा दो और उस रूप के बारे में समझाओ कि वो किस तरह का है। बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों कर वाहे लखाओ। कहते हैं वो रूप तो हर एक इंसान के अंदर है, मगर उसके होते हुए भी आदमी नरकों में जाता है, जेल खाने भोगता है, चोरी ठगी दुराचार और बेशुमार ऐब पाप करता है। इसके विपरीत अगर ये देह रूप मिले, अंदर का राज बताए, शिष्य कमाई करे, पर्दा खोले, खंडो ब्रह्मांडों पर चढ़े, उस रूप के दर्शन करे, फिर इसकी मुक्ति हो जाती है। अब शिष्य कहता है कि मुझे देह रूप भी प्यारा है, मगर प्रार्थना ये है कि कृपा करके उस निर्गुण रूप को भी दिखा दो। हम मनुष्य हैं, अगर गुरु हमें मनुष्य बनकर वो रूप नहीं समझाता हम समझ ही नहीं सकते। ताते मेहमा भारी इसकी, पर वह भी लखवाओ। शिष्य कहता है कि महिमा तो इसी रूप की है, अगर ये ना मिला तो खाली आया और खाली चला गया, मगर मैं तेरा वो रूप भी देखना चाहता हूं। वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ। हे सतगुरु, जो आपका निज रूप है, आप युगों युगों से जिसमें रहते हो, वो क्या है? संत कहते हैं कि वो शब्द है, और जो देह रूप है ये तो कभी कभी धारण करते हैं, ये तो जिन जिन जीवों को नाम देने का हुक्म होता है उन्हें नाम देकर वापस चला जाता है, मगर जो वो रूप है वो हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि जितने संत आए शब्द में से आए और जीवों को नाम देकर वापस शब्द में जा मिले, बस। संत मालिक के हुक्म से आते हैं और जब हुक्म होता है वापस चले जाते हैं। एक बार बलसराय के एक सत्संगी ने बाबा जी महाराज के आगे विनती की, महाराज होती मर्दान वाले महात्मा करम सिंह ने अपना शरीर छोड़ने के बारे में 7 दिन पहले कह दिया था कि हम आज से 7वें दिन शरीर छोड़ देंगे। बाबा जी महाराज ने कहा, 7 दिन तो क्या हैं? अगर चाहते तो 7 साल पहले भी बता सकते थे, उनमें ताकत थी। फिर अपने बारे में कहने लगे, अब हमारे जाने में दिन हैं, महीने नहीं। अब तुम बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? उसने पूछा, फिर अब आप कहां जाओगे? बाबा जी महाराज ने कहा, हम कई बार आए और कई बार गए, हमारा काम जीवों को नाम देकर मालिक से मिलाना है। हम कई बार कबीर साहब के साथ आए, लेकिन अब जो हमारी ड्यूटी थी पूरी हो चुकी है, अब हमें नहीं आना। जिस दिन से यह सत्संग घर बना है सिर्फ 1 दिन सत्संग किया है। दूसरी बार बीबी को गद्दी लगाकर आई, अर्ज की, मगर बाबा जी महाराज ने सत्संग नहीं किया। जब जिद की तो कहने लगे, बच्चू अब हमें हुक्म नहीं।
सत्संग घर बनने के बाद करीब 3 महीने रहे मगर सत्संग नहीं किया। बीबी ने बहुतेरा कहा मगर कहने लगे अब मालिक की मौज बदल गई है। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। गुरु नानक साहब कहते हैं जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। शिष्य कहता है कि जी आपका ये रूप तो कभी कभी आता है मगर उस रूप में आप सदा रहते हो। यह भी भेद सुना मैं तुमसे सुरत शब्द मार्ग नित गाओ। हे सतगुरु ये भेद भी मैंने आपसे ही सुना है कि आपका कोई और रूप भी है, कृपा करके मुझे वो रूप दिखाओ और सुरत शब्द मार्ग जो आप नित्य बताते हो वो भी बताओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा वा में भी अब सुरत पठाओ। ए मालिक तेरा जो रूप हमेशा रहता है ना कभी जन्मा ना कभी मरा ना कभी आया है ना कभी गया मुझे वो रूप दिखाओ, मेरी रूह को उस रूप में ले जाओ। ये क्या है शब्द। डरता रहूं मौत और दुख से निर्भय कर अब मोहे छुड़ाओ। हे सतगुरु अगर एक बार मैं वो रूप देख लूं तो ना मौत आए ना दुख आए ना सुख फिर ना आना है ना जाना है। अगर मुझे वो रूप दिखा दो तो मैं बेखौफ हो जाऊं। दीन दयाल जीव हितकारी राधा स्वामी काज बनाओ। हे सतगुरु आप दीनों या निमानों पर मेहर करने वाले हो, दुखियों पर दया करने वाले हो और जीवों के हितकारी हो, कृपा करके मुझे वो रूप दिखा दो। डरता रहूं मौत और दुख से निर्भय कर अब मोहे छुड़ाओ। दीन दयाल जीव हितकारी राधा स्वामी काज बनाओ। बाणी स्वामी जी महाराज की फरियाद और पुकार बचन 33वां शब्द 16वां। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब सतगुरु जवाब देते हैं कि ए शिष्य वो जो मेरा रूप है वो अलग ही है, बड़ा ऊंचा है, परे से परे है। वह तो रूप लखे नहीं कोई जब लग देऊं ना सहारा। वो रूप ना अवतारों को मिला ना पैगंबरों को ना ऋषियों को ना मुनियों को, मतलब कि किसी को भी नहीं मिला। कहते हैं कि जब तक मैं रास्ता ना बताऊं साथ होकर उस देश में ना ले जाऊं दुनिया का कोई जीव उसे देख नहीं सकता। ये रूप दयाल की अंश है लेकिन काल ने
70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की, तब ये रूहों का भंडार उसे मिला। वो नहीं चाहता कि उसका देश उजड़ जाए, इसलिए वो हर एक रूह के लिए झगड़ता है। अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे, घास फूस, आदमी, जानवर और दूसरी चीजें ना हो तो ये दुनिया कुछ भी नहीं। इसलिए काल ने हर रूह के साथ तन और मन का पिंजरा लगा दिया है। आप कहीं भी जाओ, तन और मन साथ है। मन छोटा काल है, जिस देश में जाओगे ये साथ है। काल नहीं चाहता कि कोई रूह सचखंड चली जाए, मगर संत जबरदस्ती ले जाते हैं। ये तो बाहर का हाल है, अंदर रूहानी मंजिलों पर रिद्धियां सिद्धियां और अन्य सैकड़ों रुकावटें आती हैं। वहां से संत ही दया करके ले जाएं तो ले जाएं, वरना काल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों और पैगंबरों को खवार किया है। ये संतों की दया है कि वे साथ ले जाते हैं। बगैर गुरु के ना कोई कभी गया है और ना ही जा सकता है। करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। ए शिष्य, अगर तुझे मेरा वो रूप देखना है तो करनी कर। क्या? सबसे पहले मन को 9 द्वारों में जाने से रोक। मन इंद्रियों के घाट पर जाए ही नहीं। कहते हैं अगर तुझे भक्ति करनी है तो ये काम कर, यानी मन किसी इंद्री की लज्जत ना ले। जब मन कैद हो गया, इंद्रियां काबू में आ गईं। अब मन कब काबू में आएगा? तुरिया पद में जाकर। जब रूह वहां जाकर अमृत को पिएगी, तब मन वश में आएगा। स्वामी जी महाराज की वाणी भी यही कहती है कि अगर ये इन लज्जतों का आशिक है तो उस नाम की लज्जत मालिक नहीं देता। इसलिए चाहिए कि मन इन लज्जतों से नफरत करे। अब जो शर्त सतगुरु रखता है, अगर शिष्य उसे पूरा नहीं करता तो पर्दा किस तरह खुल जाए? जरा अपने दिल में झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर से काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, निंदा चुगली नहीं गई। जब तक कपड़े पर दाग है, धोबी कपड़े को तह लगाकर संदूक में नहीं रखता। इसी तरह जब तक जरा भी मैल है, अंदर पर्दा नहीं खुलता। गुरु साहब शिष्य को उपदेश देते हैं कि इतना ऊंचा ख्याल होना चाहिए कि अगर कोई इसका निरादर करे तो नाराज ना हो, और अगर तारीफ करे तो खुश ना हो। मगर ये अवस्था बिना पर्दा खोले, बिना अंदर गए नहीं आती। कहते हैं कोई विरला गुरमुख पार उतरा है, नहीं तो ये मुश्किल है। जब तक इंद्रियों को विषय विकारों से नहीं रोकता, मन काबू में नहीं आता। मन का हथियार क्या है? इंद्रियां। जब मन के हथियारों को छीन लो, ये कोई शरारत नहीं कर सकता। सुरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा। जब मन और इंद्रियां वश में आ गईं, अंदर पर्दा खुल गया, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ गई। कहते हैं फिर इसे रोकने वाला कौन है? पहले त्रिकुटी में आ गई, फिर पार ब्रह्म में। सत पुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दर्शारा। अगर हमारा रूप देखना है तो इस रास्ते पर आओ, मैं दिखाने को तैयार हूं। अगर आप पार ब्रह्म में आ जाओ, उसके आगे भंवर गुफा है, आगे सतलोक है, इससे आगे मैं अलख लोक में ले जाऊंगा, इसके आगे अगम लोक है, फिर उसके भी आगे देखो क्या है। चलो मेरे साथ, देखो आगे। ताके आगे राधा स्वामी,
वह निज रूप हमारा। ऐ शिष्य, अलख अगम के पार जो स्वामी देश है, जिसे राधा स्वामी भी कहा है, वो मेरा निज रूप है। मैं उस देश से आया हूं, आ चल मेरे साथ। संत ले जाने के लिए आते हैं। संतों का काम ही यही है कि इस देश से रूहें इकट्ठी की और उधर ले गए। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, गुरु नानक साहब भी यही, और दूसरे महात्मा भी यही कहते हैं। महात्मा कर्मों के वश में नहीं होते जिस तरह हम हैं, बल्कि आजाद होते हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहब? जन्म मरण दोहों में नाहीं, जन पर उपकारी आए, जी दान दे पगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। वे मालिक के साथ मिलाने के लिए आते हैं। वे ना कौम मजहब बनाते हैं ना तोड़ते हैं। वे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि संत कौम मजहब बनाते हैं। कौम मजहब बनाना लोगों का काम है, संतों का ये मिशन या काम नहीं होता। धीरज धरो, करो सत्संगत, मेहर दया से लेऊं सुधारा। ऐ शिष्य, तू शांति रख, धीरज रख और सत्संग कर। हम तुझे लेने के लिए आए हैं, हमारा और कोई काम नहीं। अगर तू धीरज रखेगा, कमाई करेगा, मन इंद्रियों को विषय विकारों की तरफ जाने से रोकेगा और सूरत को उल्टाकर अंदर ले जाएगा, तो हम तुझे साथ ले चलेंगे। संत दुनिया में मालिक की इच्छा अनुसार रहते हैं, इसलिए जीवों को संतों की ताकत की खबर नहीं होती। मैंने पहले भी कई दफा पीटर द ग्रेट की मिसाल दी है। पीटर रूस का बादशाह था, जहाजों का काम सीखने का शौक था। हॉलैंड में जाकर मजदूरों में भर्ती हो गया। कुछ रूसी बदमाश जिन्हें उसने मुल्क से निकाला था, उनसे जा मिला, उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना, खाना पीना वगैरह। जब काम सीखकर वापस आने लगा तो उन लोगों से कहता है कि रूस का एक बड़ा भारी अहलकार मेरा दोस्त है, अगर तुम कहो तो मैं बादशाह से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। उन्होंने मंजूर कर लिया और साथ चल पड़े। जब वे जहाज से उतरे, आगे कहीं तो फौजें खड़ी थी, कहीं तोपखाने, कहीं कुछ कहीं कुछ। सब लोग आकर उसे सलाम कर रहे थे। पता लगा कि ये बादशाह था। अब वो खुद बादशाह था, मगर उसने बताया नहीं। इसी तरह संत जो पावर या ताकत लेकर आते हैं, उसे जाहिर नहीं करते, बल्कि चुप रहते हैं। जब कबीर साहब रानी इंदुमती को सचखंड में ले गए, तो उसने देखा कि वहां भी वही कबीर साहब ही हैं। कहने लगी, अगर आप मुझे मात लोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। कबीर साहब ने कहा, क्या तू वहां मान लेती? कह देती कि एक मनुष्य कहता है कि मैं सत्पुरुष हूं। सो अगर संत कह दें कि हम ऐसे हैं तो कोई माने ही ना। इसलिए कहते हैं, वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। ए शिष्य, हम सचखंड छोड़कर, मनुष्य देह धारण करके, सख्ती नरमी सहकर तुम्हारे लिए ही आए हैं, लेकिन तुम अपने अंदर प्यार पैदा करो, मन को मारो, इंद्रियों को रोको, भजन करो, हम तुम्हें ले जाएंगे। मतलब तो ये है कि शिष्य को संतों की वैल्यू, हैसियत और पावर, ताकत की खबर नहीं। अगर इसे खबर हो तो ये रूठे या निंदा करे। अकबर बादशाह का जिक्र है। एक दिन सैर करते करते दूर निकल गया, भूख लगी, एक जमींदार का कुआं था, वहां पहुंचा। जमींदार ने समझा कोई सवार है, उसने घोड़ा बांध दिया, उसे घास डाल दी और अच्छे अच्छे खरबूजे लाकर सवार को खिलाए। जब जाने लगा तो अकबर ने मन में कहा कि इस बेचारे को क्या पता कि मैं कौन हूं। कहता है, मैं बादशाह हूं, अगर कभी जरूरत हो या कोई काम पड़े तो मेरे पास आ जाना।
जमींदार कहता है, मुझे क्या काम पड़ेगा, मैं गरीब जमींदार हूं, तेरी जमीन पर खेती करता हूं और मुआवजा देता हूं, अगर तुझे कोई काम पड़े तो मुझे बताना। सो मतलब यह है कि इन लोगों को संतों की खबर ही नहीं कि वे क्या हैं और किस देश से आते हैं। अगर इन्हें खबर होती तो क्या गुरु नानक साहब से चक्कियां पिसवाते। तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। ए शिष्य, तेरा फर्ज है प्यार करना, तू अपना काम करके अचिंत होकर गुरु पर भरोसा रख, गुरु भी अपने फर्ज से बेखबर नहीं। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और प्रतीत संवारा। बस ए शिष्य, सभी संशय छोड़ दे, पक्का विश्वास, पक्की प्रीत और प्रतीति रख कि तू वहां पहुंच जाएगा। यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। अब कहते हैं, ए शिष्य, जो तेरा फर्ज है तू वो पूरा कर, यानी मन इंद्रियों को रोक और प्रतीति बढ़ा। हम तुझे एक दिन वहां जरूर ले जाएंगे, जिसके बारे में भाई अजीते की साखी में गुरु नानक साहब ने कहा है, नाओ हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी। राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा। जब जब हम मुनासिब समझेंगे तुम्हें ले चलेंगे, तुम अपना फर्ज अदा करो, जब हमारी मौज आएगी तुम्हें ले जाएंगे। जितने संत आए सबका मिशन मकसद एक ही था और एक ही रहेगा। संत किसी कौम मजहब के कैदी नहीं होते, बल्कि सारे जहान के लिए सांझे होते हैं। गुरु नानक साहब की तालीम कौमों मजहबों को आग लगाती है। अगर संतों के नजदीक आकर भी कौमों मजहबों का फर्क रहा तो कोई फायदा नहीं, वे तो कौमों मजहबों के फर्क को आग लगाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम छोटे छोटे दायरे बनाकर ये ना कहें कि हम फलाने हैं तुम फलाने हो। संतों का प्यार कुल आलम के साथ एक जैसा होता है। जो लोग कहते हैं कि मालिक का कोई रूप नहीं, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर कोई रूप नहीं तो वहां जाएगा कौन? इस मटेरियल जड़ पदार्थ के मुकाबले में वाकई कोई रूप नहीं। जब हम कहते हैं कि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर मिसाल किसकी दें? फिर भी उसकी अपनी शक्ल है, रूप है, लेकिन अगर कोई बयान भी करे तो किसके जैसा बताए? रूह एक कतरा है उस समुद्र का। रूह जब सचखंड पहुंचती है, इसका अपना प्रकाश 16 सूरज का होता है, फिर उस मालिक की मिसाल किसके साथ दें? यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा।